हरदोई पाली थाना इलाके में बाघ के पक्षी देखे जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम ने पुलिस के साथ कॉम्बिंग में जुटी है। डीएफओ भी मौके पर पहुंची और टीम के साथ खेतों में जाकर हालात का जायजा लिया। बाघ की लोकेशन ढूंढने के लिए वन विभाग की 3 टीमें लगी हुई हैं। वहीं ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील की गई। कानपुर के अधिकारी भी मौके पर गए। पाली कोतवाली क्षेत्र के रायपुर भजजापुरवा कहराई नकटोरा आदि गांव के पास ग्रामीणों ने खेतों में बाघ के पक्षी देखे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने शनिवार को भी यहां कॉम्बिंग की और यहां सरसों आदि के खेतों में पड़ताल कर पंजे के निशान देखकर बताया था कि ये नर बाघ के पंजे के निशान हैं। वन विभाग ने दूसरे दिन भी यहां के इलाकों में अपनी खोज जारी रखी। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ने इस मामले में 2 रेंजर हरपालपुर हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में व शाहबाद रेंजर नरेंद्र कुमार के साथ वनकर्मी जितेंद्र कुमार शिवप्रकाश कुरील विपुल कुमार शुक्ल व बिंद्रा प्रसाद की टीम बनाई है। डीएफओ ने एसडीएम शाहबाद सराजपुर सीओ शाहबाद व हरपालपुर को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अधिकारियों से अपने स्तर से ग्रामीणों को जागरूक करने आदि की अपील की है। आशीष सिंह की रिपोर्ट। जानकारी हमें 2-3 दिनों से जो है ये जानकारी मिल रही थी कि फर्रुखाबाद जनपद से कोई टाइगर जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, हरदोई जनपद और शाहजहांपुर जनपद की तरफ। तो कल सूचना मिल पाई लगभग 3 बजे के आसपास कि नकटोरा ग्राम के पास एक सरसों के खेत में जो है कुछ पक्षी आए गए हैं। उन पक्षियों का जब अध्ययन किया गया तो वो टाइगर से मेल खाते थे। फिर यहाँ पर जो है 3 टीमें लगाई गई। जिलाधिकारी हरदोई के निर्देशन में ग्राम मुख्य संरक्षण रक्षक लखनऊ मंडल लखनऊ के निर्देशन में 3 टीमें लगाई गई मेरे द्वारा। 3 टीमें जो लगाई गई वो 8-8 घंटे पर काम कर रही और रात्रि में भी पेट्रोलिंग की गई, लेकिन किसी भी जानवर के आहट की कोई सूचना नहीं मिली और न ही कोई ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट की ही कोई घटना हुई। तो हम लोग इसको लगातार निगरानी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।